ग्लैडिएटर 2 एपिक हिस्टोरिकल एक्शन पर बेस्ट मूवी है और इस मूवी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है रिडली स्कॉट ने। और इस मूवी को मैंने हिंदी डब में देखा है और यह मूवी डायरेक्ट सिक्वल है ग्लैडिएटर जो कि 2000 में आई थी। तो चलिए बात करते हैं यह मूवी कैसी है। और वहीं आपको मैं बता दूं ग्लैडिएटर जो कि 2000 में आई थी वह वन ऑफ द बेस्ट मूवी है अब तक की। और ग्लैडिएटर 2 मूवी की स्टोरी शुरू होती है ग्लैडिएटर मूवी के ख़त्म होने के 16 साल के बाद, और जहां पर हमें देखने को मिलता है लूसियस नोमेडिया में अपनी पत्नी के साथ रहता है। और अब जनरल जस्टिस एकेसियस द्वारा रोमन सैनिकों के नेतृत्व में नोमेडिया पर आक्रमण कर दिया जाता है और इस आक्रमण में लूसियस की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। और अब नोमेडिया के लोग इस युद्ध में हार जाते हैं और लूसियस बंदी बना लिया जाता है। और अब लूसियस और उसके साथियों को बंदी बनाकर रोम में ले जाया जाता है जहां पर बहुत सारे गुलाम होते हैं और इन गुलामों को अरेना में उतारा जाता है। अगर कोई भी गुलाम जीत जाएगा तो वह आज़ाद हो सकता है। तो क्या अब लूसियस अपनी आज़ादी पाता है या नहीं, या तो आपको मूवी देखने से ही पता चलेगा। और वहीं अगर मैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करूं तो इस मूवी का स्टोरी बहुत ही बढ़िया और शानदार है, लेकिन इस तरह की स्टोरी को हमने 2000 में आई ग्लैडिएटर मूवी में देखा था। लेकिन जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा या उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट मूवी होने वाली है। और वहीं इस मूवी का वीएफएक्स भी काफ़ी शानदार है और इस मूवी में आपको बहुत ही बड़े बड़े सेट देखने को मिलने वाले हैं। और वहीं इस मूवी में जितने भी एक्शन सीन हैं वह बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार हैं और उन एक्शन सीन को बहुत ही बड़े लेवल पर शूट किया गया है और कोरियोग्राफी का भी बढ़िया किया गया है। और वहीं इस मूवी की डबिंग भी काफ़ी शानदार की गई है। और वहीं आपको इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा खून खराबा देखने को मिलने वाला है। और अगर मैं पेरेंटल गाइडलाइन की बात करूं तो इस मूवी में आपको 2 से 3 किसिंग सीन देखने को मिलते हैं। इस मूवी में आपको कोई भी न्यूड सीन देखने को नहीं मिलने वाला है, तो यह आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं। और वहीं मैं इस मूवी को 4 की रेटिंग दूंगा 5 में से। और वहीं इस मूवी में जितने भी एक्टर ने काम किया है उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग की है। तो इस मूवी में मुझे केवल 2 ही निगेटिव पॉइंट लगे हैं। एक है इस मूवी का स्टोरी जो कि हमने ग्लैडिएटर फर्स्ट के मूवी में देखा था, तो उसी तरह के कॉन्सेप्ट पर यह मूवी बेस्ड है। और दूसरा, इस मूवी का विलन उतना शानदार नहीं है जितना हो सकता था। बाकी यह मूवी अच्छा है, इस मूवी को आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो भाई लोग, इसी तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए अगला वीडियो लाने का। धन्यवाद।